गुड मॉर्निंग टोरंटो, गुड इवनिंग भारत। मैं सर्वानी बैनर्जी लेकर आई हूँ टीएमजी के वर्चुअल प्लेटफॉर्म को और सदाबहार गीतों से आज आप लोगों का मनोरंजन करने ऑल द वे टू अहमदाबाद इंडिया। जे एच पी जामदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पहले भी शो पे आए हैं और आज आपको बहुत अच्छी एक शाम का वादा मेरा टीएमजी का। और सबसे पहले मैं यहाँ पर राजीव दा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उनका अभिनंदन करना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही लगन और मेहनत से उन्होंने तैयार किया है। उनका जो म्यूजिक के प्रति पैशन है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे बांग्ला वगैरह, इनको इन पे जो वो सॉन्ग गाते हैं जब, तो उनका पैशन उसमें झलकता है। तो यहाँ पर एक और शख्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और बहुत मिस कर रही हूँ मैं उन्हें, सुमिता जी, जो इस सीरीज को लाती रही है, वो ही हैंडल करती रही हैं इस सीरीज को, लेकिन आज किसी कारणवश वो बिजी हैं, तो बहुत मिस कर रही हूँ उनको। सुमिता जी, आप अगर जहां पर भी हैं इस प्रोग्राम को अपने थोड़ा सा समय निकाल के जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट, आप जरूर आए इस शो पर दो मिनट के लिए भी, अगर हो सके तो ऑनलाइन हो, हमारे साथ जुड़े, तो मैं बहुत आपको मिस कर रही हूँ। जल्दी से आइए गा बीच में या कहीं पर भी आपको लगे, और सारे व्यूअर्स भी आपसे मिलना चाहेंगे, हेलो बोलना चाहेंगे, और मैं तो इंतजार कर ही रही हूँ आपका, अगर आप जुड़ सकें तो। ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसकी जो इतनी क्रिस्टल आवाज है और सारे जो इतने विजुअल्स वगैरह सब, इतना जो आप देख रहे हैं सब, राजीव दा ने अपनी मेहनत से इसको तैयार किया है। और मैं अब दोबारा से बुलाना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी राजीव दा का, और हमारे जो आज के गेस्ट हैं मखमली आवाज के धनी एचपी जामदार जी का। आप आ जाएं जामदार जी और राजीव सूद जी, अभिनंदन मेरा, प्रणाम मेरा सबको, ऑल व्यूअर्स को, और जामदार जी को, राजीव दा को। ऑन बिहाफ ऑफ टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप, हिंदुस्तान में सभी रहने वालों को टोरंटो की धरती से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है मेरे लिए जब जानदार साहब आते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आई एम पार्टिसिपेटिंग समवेयर इन द फेस्टिवल। हमारे लिए जानदार साहब मेरे लिए इतना प्रिय है कि मुझे लगता है कि मेरा एक जिसको कहते हैं ओहदा, एक कहते हैं एक स्टेटस, वो बढ़ जाता है एक ऐसे शख्स के साथ जो सिविल इंजीनियर हैं, और सिविल इंजीनियर भी ऐसे हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर के जितनी आज उनको इन्वॉल्व करके रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें ये इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। ही वॉज आल्सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। गाने के वो धनी हैं, बचपन से ही उनको एक ऐसी आवाज़ मिली है कि उनको सुनने में मुझे लगता है कि अगर उनके साथ मुझे 10 घंटे 12 घंटे एक गाने को सुनने के लिए बैठना हो तो मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ, उनको सुन सकता हूँ, उनको तो अंदर से ये गाने के तो धनी हैं। इन्होंने बहुत सारी स्टेज और बहुत सारी चीज़ें संभाली हैं, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने रिवाइव किया है। गा तो सभी रहे हैं और सभी अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जामदार साहब की शख्सियत ही एक ऐसी है कि उन्होंने अगर किसी चीज़ को पकड़ा तो उसको उत्कृष्टता के उसको एक्सट्रीम तक ले जाकर तभी वो उसको आनंद लेते हैं। तो जामदार साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपसे आप मुखातिब हों और लोगों से, फिर मैं बीच में आपके साथ अटैच रहूँगा। और अभी मैं गुजारिश भी करूँगा कि आपने कौन सा गाना कब स्टार्ट करना है, फिर बाकी सारा प्रोग्राम सरबानी जी आपके साथ करेंगे। आप पहले लोगों का अभिनंदन कर लें। जी थैंक यू राजीव जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एट योर एंड, और हमारे इंडिया के सुनने वालों को गुड इवनिंग, एंड बाकी अलग अलग जगह पर जो भी उनके दिन का समय है उसके मुताबिक मेरी उनको ग्रीटिंग्स। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है दोबारा एक बार आपके प्लेटफॉर्म पर आके राजीव जी। टीएमजी ने एक अपनी जगह बना ली है म्यूजिक की वर्ल्ड के अंदर, लाइव ट्रांसमिशन की वर्ल्ड के अंदर, तो आज का प्रोग्राम भी मुझे यकीन है लोगों को, हमारे सुनने वालों को बहुत पसंद आएगा। पुराने गानों का हमारा जो खजाना है वो तो कभी ना खत्म होने वाला खजाना है,
उसमें से कभी निकाल के हम कभी भी कुछ गाने गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। और मुझे यकीन है आज का प्रोग्राम भी आप सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। तो सबको, राजीव जी को, हमारी नई एंकर जो हैं सरवानी जी, उनको मेरा प्रणाम, माय ग्रीटिंग्स, एंड लेट्स मूव ऑन विद द शो। जामदार साहब, आपके आपके जानकार गिरीश पटेल जी वो बोल रहे हैं कि आप बांसुरी फ्लूट भी बहुत सुंदर बजाते हैं, मुझे पता है आप हारमोनिका भी बहुत सुंदर बजाते हैं, और ये अपनी विसल से, सिर्फ अपने मुंह की आवाज़ से बहुत सुंदर गाने भी गाते हैं, जो कि इनकी अपनी एक शख्सियत है। इनके पास इतने कलाओं के इतने धनी हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी पर इन्होंने मेरे को अपना वो फ़ोटो भी भेजा था, तो भाभी जी को और आपको भी हम, आप दोनों का लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि आप सदा ही इस तरीके से मुस्कुराते रहें। और ये नहीं कि आप सिर्फ हमारे जो दर्शक हैं, दुनिया में जहाँ पर भी खुशी मिलती है वहाँ पर अपनी खुशी और अपनी जो फेस है उस तरीके से आप हमें ब्लेसिंग भी देते रहें। हम इसी ब्लेसिंग के साथ ही आपके साथ अटैच होते हैं कि हम एक अच्छे शख्स को, उसको जैसे कि लगता है कि आपके पास बैठने से हमें आपकी रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आ रही है, तो उसी भावना के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद राजीव जी फॉर द फ्लावरी वर्ड्स एंड द एड्यूलेशन, आई अप्रिशिएट एंड थैंक यू। प्रोग्राम थोड़ा सा मुझे स्टार्ट कर लेने सरबानी जी, उसके बाद आप पूरे प्रोग्राम को लीजिएगा। इस प्रोग्राम का आगाज़ जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अपना प्रिय है, क्योंकि मैं कुछ लालची हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप वो नील गगन के पंखेरु, उसका एक छोटा सा पार्ट पहले दे दें। इस प्रोग्राम के एंड के अंदर आप हमें वो पूरा गाना सुनाइए, गुजराती का इतना प्यारा और इतना मीठा सॉन्ग है, तो प्लीज़ आप आएँ और इसको, इस गाने को थोड़ा सा हमें दें, और उसके बाद हम आपसे पूरा का पूरा ये गाना एंड में भी सुनेंगे। ऑलराइट, तो एक स्टैंजा से शुरुआत करते हैं। वैसे इसको एंड में पूरा गाया जा सकता है अगर अभी ना गाना हो तो, बट एज यू सजेस्ट। नहीं आप प्लीज़ इसको, हाँ जी, श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। गगन ना पंखेरू तू कानव पाछो आवे, मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू पंखेरू, साथे रमता साथे फरता, साथे नावलड़ी मातरता। एक दरिया नो मोजू आव्यो, वार न लागी तुझने सरता। आज लगी तारी वाट जो छू, आज लगी तारी वाट जो छू। तारो कोई संदेशो लावे, ओ तारो कोई संदेशो लावे। मन तारी याद सतावे। गगन ना पंखेरू पंखेरू। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू जी। बहुत बहुत मीठी शुरुआत हमारे शो की, और बहुत लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबको आपका ये पहला सॉन्ग दिल के पास, दिल से दिल तक जो आवाज होती है वो पहुंच रही है। तो प्रकाश जी, नर्म जमाल जी, दलजीत सिंह जी, अजय कुमार जी, सतीश जी, गोपाल गौर जी, प्रतिबिंब जी, सुनीता जी, रीना फ्रॉम मेरठ, सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि कहते हैं हर चीज में संगीत है, बस कहने वाले नहीं सुनने वालों की जरूरत है। तो वही सुनने वाले लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ मैं आपका जो सेकंड सॉन्ग जो हम लेने जा रहे हैं, वो उस सॉन्ग के बारे में कहूंगी कि एक दर्द भरा नगमा, एक गजल जो मदन मोहन जी के सुंदर मेलोडियस संगीत से, सुर से सजे हुए, एक हिस्टोरिक फिल्म आई थी 1960
64 में जहां आरा जी के बेगम जी के लाइफ पर बनी हुई, तो तलत महमूद जी की मखमली आवाज में गाया हुआ, और अभी हम सुनने जा रहे हैं जामदार जी के मखमली आवाज से सुन ये सॉन्ग। और इस सॉन्ग को सुनकर कुछ दैवीय अनुभूति होती है। तो तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, प्लीज जामदार जी अपना ये सॉन्ग लेकर आए हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू सरवानी जी। थैंक यू। तेरा गम ख्वार लेकिन मैं तुझ तक आ नहीं सकता। मैं अपने नाम तेरी बेकसी लिखवा नहीं सकता। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां। तेरे गम में तुझको बहला ऐसी मेरी तकदीर कहा। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐ काश जो मिल कर रोते कुछ दर्द तो हल्के होते। बेकार कुछ दाग जिगर के धोते फिर रंज न होता इतना। है तन्हाई में जितना अब जान ये रसता उनका है और भी लंबा कितना। हालात की उलझन सुलझाऊं हालात की उलझन सुलझाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं क्या तेरी जुल्फ का लहरा है अब तक वही सुनहरा। क्या अब तक तेरे दर पे देती है सवाए पहरा। लेकिन है ये काम ख्याली तेरी जुल्फ बनी है सवाली। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स जामदार जी आपको सब दे रहे हैं, सब को बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नाम बोलना चाहूंगी, संगीता सूद जी नमस्ते,
और हिमानी जी जो बहुत अच्छी हमारी टीएमजी के सिंगर हैं, और दीप मजुमदार जी, सतेंद्र जी, ओमा सुबोध जी, केपी योगी, मुन्ना लाल जी, अनीता जी, महजबीन जी, भावना जी, कितनों के नाम लूं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स, जितेंद्र जी, डॉक्टर सईद, करुणा एंड दिलजीत जी, पीयूष जी, विजय कुमार जी, विशाल जी, वर्षा जी, इतने कितने ही लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं YouTube में कुछ और लोग हैं, मैं उनका नाम भी ले दूं। जी YouTube में हमारे साथ हरीश सूद, सबसे पहले मैं उनका नाम लेता हूं, बिकॉज माय वाइफ संगीता सूद, शी टोल्ड मी और अपडेटेड मी कि हरीश जी को आप प्लीज़ अपडेट कर दीजिएगा। जामदार साहब, हरीश जी मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो आपके ग्रेट फैन हैं। कोई प्रोग्राम होगा उसके अंदर एक ही आवाज़, एक ही बात करेंगे, जामदार साहब कब आ रहे हैं, जामदार साहब कब आ रहे हैं। तो आज जामदार साहब हरीश जी आ गए हैं और वो आपको सुना भी रहे हैं अपने गाने, और मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। इंदु सूद जी हमारी फैमिली फ्रेंड हैं, वो भी हैं। गिरीश पटेल जी आपको देख रहे हैं, दियांकर पांड्या जी आपको देख रहे हैं, और सैयद साहब आपको देख रहे हैं, विपिन चवड़ा जी आपको देख रहे हैं, सतीश चंद्र सहानी जी भी हमारे साथ अटैच हैं। हरीश सूद जी बार बार आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर शब्द लिखकर आपको दे रहे हैं, बाद में आपको जैसे मौका मिले तो YouTube पर आप देख लीजिएगा। और सतीश चंद्र सहानी भी आपके बहुत अच्छे, उत्कृष्ट और अच्छा गाने वाले हैं, वो भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और सभी वशीभूत होकर आपको सुन रहे हैं, और गाना बहुत सुंदर गया। और ये मेरे ख्याल से जो मूवी थी, इट वाज द एंडिंग ऑफ शेख मुख्तियार जी, और उन्होंने बड़े चाव से इस मूवी को बनाया था। तो आप सरबानी जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, तो सभी व्यूअर्स का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, और आपका प्रोत्साहन हमें चाहिए, और हमारे साथ बने रहिए। गुलदस्ते में बड़े सुंदर सुंदर नायाब फूल अभी हमारे पास और हैं। तो अब जो रूप की रानी चोरों का राजा एक फिल्म आई थी 1962 की, जबरदस्त फिल्म, उससे एक सॉन्ग लेने जा रहे हैं जामदार जी, तुम तो दिल के तार छेड़कर। जैसा कि गाने के शब्द ही बता रहे हैं कि बहुत ही रोमांटिक एक मजेदार फिल्म ये बन पड़ी थी, और बड़े सारे परिवार एक जहाज में बैठकर किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, जितने परिवार उतनी ही उनकी कहानियां। तो मजेदार फिल्म थी, कभी देखिएगा आप लोग। तो हेमंत दा और लता दीदी की आवाज से सजा हुआ, नहीं तलत साहब भी थे, ये तलत साहब भी थे, ये भी तलत साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, तो सदाबहार हमारे देवानंद जी और वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया ये सॉन्ग, आपकी नजर। तुम तो दिल के तार छेड़कर चल दिए, तुम तो दिल के तार छेड़कर। थैंक यू सरवानी जी, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, फिल्म ऑन द एवरग्रीन देवानंद, जो हमारे राजीव जी के भी रोल मॉडल हैं, उनके बहुत बहुत स्पेशल जिनको हम मानते हैं। तो प्यारा सा, नॉटी सा, लेकिन बहुत बढ़िया सा गाना है, and here I present it for you. Tum to dil ke taar chheed kar ho gaye bekhabar, chaand ke tale jalenge hum ae sanam raat bhar, tum to dil ke taar chheed kar का ले लिया है दिल, ये भी भूल जाओगे, ये तो कहते जाओगे ख्वाब में तो आओगे, ये तो कहते जाओगे ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए
कर अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी, अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी, शोक शोक वो अदा हमको याद आएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, दर्द बन के छाएगी। तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा। तार छेड़ कर हो गए बेखबर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। वाह, बहुत सुदिन, बहुत अच्छा, कितना चुलबुला, तब के जमाने का सॉन्ग लगता है कि आज का सॉन्ग है। और बहुत अच्छे कमेंट सब लिख रहे हैं, सब व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। प्रतिबिंब जी जो हिंदी भाषा संस्थान के इंचार्ज हैं इंडिया में, वो लिख रहे हैं बहुत उनको अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ध्वनि जोशी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, प्रकाश सोनी जी बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, और रीना शर्मा, और बहुत लोग यहाँ पर आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने जिन्होंने जिनकी शाम आप लोगों ने और जो हमारे टोरंटो वालों की मॉर्निंग आपने इतनी सजा दी है। तो यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप संगीत को नहीं छू सकते, लेकिन संगीत आपको छू सकता है। तो वही सॉफ्ट टच हमें आपकी वॉइस से हमारे दिल तक पहुँच रही है। और ये जो विजुअल्स देख रहे थे आप सॉन्ग के बीच में, इसके पीछे राजीव दा का बहुत समय और लगन साफ झलकती है। बड़ा मजा आ रहा था गाने के साथ जब ये विजुअल्स चल रहे थे। राजीव दा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जामदा साहब को जानकार हैं, मोहित सहगल, तो बड़ा अच्छा लिखने में कह रहे हैं, अमेजिंग है हैरी अंकल। तो रत्नामी टेलर जी जो कि हमारे टोरंटो में रहते हैं, हमारे साथ हमारे से गुरु जी से शिक्षा भी लेती हैं, वो भी बहुत सुंदर कह रहे हैं, सुंदर कंठ बहुत, यानी कि गिरीश पटेल जी, सतीश चंद्र जी, हरीश, हरदीप आलू वालिया जी, बहुत सारे लोग, इंदु सूद जी, सभी के सभी बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। 11-12 लोग जो YouTube में हमारे साथ हमको देख रहे हैं, हम उन सबका भी अभिनंदन करते हैं। और साथ में सरबानी जी जो हमारे साथ फेसबुक में अटैच हैं, तो उनको भी आपके सामने वो समक्ष पेश करती जा रही हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है सरबानी जी, बहुत बहुत मीठा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुमिता जी को मिस कर रहे हैं, अगर सुमिता जी आप सुन रही हैं, अगर आप आना चाहें तो एक आधा मिनट निकाल के आप आ भी सकती हैं। और अब एक तलत महमूद जी की आवाज में गाया गया सॉन्ग सोने की चिड़िया फिल्म से, बोट पर रोमांटिक अंदाज में गाया गया ये फिल्म, खुद तलत जी और नूतन जी पे फिल्माया गया। सूदिंग आवाज के धनी जामदार जी को इस सूदिंग सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। 1958 की फिल्म
लेकिन सुन के जामदार जी से सुन के ऐसा लगता है आज की ही फिल्म, कहीं आज ही बना हुआ म्यूजिक, क्योंकि इनके ट्रैक्स भी अपने बिल्कुल खास तैयार किए गए हैं। ये इस तरह के पुराने ट्रैक्स को नए तरीके से ये लेकर आते हैं। और जामदार जी, आपका दोबारा से स्वागत है, आप कुछ कहना चाहेंगे? I start the song. A special greetings, hello to Hardeep Ahluwalia ji and Gurjeet ji, who are my brother and sister-in-law, and Mohit also is family, and all my dear friends and near and dear ones who are connected with us just now. I greet all of them, and I'll proceed with the next song. एक जामदार साहब, सादिक साहब भी अटैच हो चुके हैं, वो आपके बड़े ग्रेट फैन हैं, हमारे घर पर आप मिल चुके हैं, इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप। यहाँ तक हमें पहुँचने में अगर सादिक साहब ना होते तो हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। तो सादिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं आप लेट अटैच हुए हैं, लेकिन आप आ चुके हैं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। और बहुत शुक्रिया सादिक भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और जामदार साहब भी आपको यहाँ से मेरी तरफ से, मैं उनकी तरफ से आप बोल रहा हूँ, आपको आपको सलाम भेज रहे हैं। Yes, Sadiq ji, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत greetings and welcome. हमारे मन्ना दे की आवाज है ये सादिक जी यहाँ पर टोरंटो में, बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। थैंक यू सो मच सादिक जी जुड़ने के लिए, धन्यवाद। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तूने है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है, कहीं ऐसा न हो पाओ मेरे थर आ जाए, कहीं ऐसा न हो पाओ मेरे थर आ जाए, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले, अश्क बहते रहे खामोशी रातों में, अश्क बहते रहे खामोशी रातों में, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है।
बहुत सुंदर जामदार जी, बरसात रिमझिम इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, मीठे मीठे शब्दों से पिरोए हुए। तो सतीश चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आपके लिए। परिणीता जी, विजय कुमार जी, ओ माँ, भूपेंद्र रतन जी, ये हमारे बहुत ही डैशिंग सिंगर हैं टोरंटो के, हमेशा एवर रेडी पाजी हमारे। जस्सी जी, सादिक जी तो जुड़े हुए हैं, मुन्ना लाल जी, सतीश जी, जमाल जी, सरनजीत जी, सबका शुक्रिया। राजश्री, केपी, योगी जी, सुजाता जी दुबई यूएई से जुड़ी हुई हैं, और विजय कुमार जी, सब बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं आपके लिए। हरदीप आलूवालिया जी, मोना सिंह, मोना जी, सौभाग्य खेरा, सब लोग आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसके साथ दादा, मेरे को दो शब्द मुझे बोलने दीजिए। इस गाने के अल्फाज इतने सुंदर हैं, अश्क बहते रहे खामोशी यह रातों में और तेरे रेशमी आंचल का सहारा ना मिले। इट इज़ सो ब्यूटिफुली नरेटेड। इसको गाने के साथ साथ मखमली आवाज़ में आपसे सुनने के बाद एहसास वही होता है कि हमें उसी ईरा के अंदर ले जाते हैं आप। इन द मीन टाइम हमारे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली से बहुत अच्छे हमारे प्यारे प्यारे जी लोग जुड़ रहे हैं, यूके से, यूएसए से, और दिल्ली और इंडिया से। सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो छोटा सा ये हिच मेरा ख्याल है कुछ हुआ है प्रोसीजर, एंड आई एम श्योर राजीव विल बी सेट इट राइट, विल बी सेटिंग इट राइट इन नो टाइम। ये कभी कभी हो जाता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जी। अच्छा, तो संगीत के अलावा इन्होंने बताया कि उनको गोल्फ खेलना बड़ा पसंद है, तो और क्या पसंद है आपको संगीत के अलावा जामदार जी अपने लेजर टाइम में? सरवानी जी, अच्छा लगने के लिए तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, बट एज यू सेड, शुरू में तो जब हम लोग छोटे थे आपको याद होगा, तब ये फिल्म सॉन्ग सुनना और इनको देखना और वगैरह काफी वर्जित था हमारे लिए। तो पेरेंट्स से छुप छुप के हम ये कभी गाने सुना करते थे, सुनना भी अलाउड नहीं था हमको, लेकिन वो जो लगाव था वो बना रहा। आगे चल के फिर उसको हम आगे बढ़ाते गए, स्कूल कॉलेज में थोड़ा थोड़ा गाने का सिलसिला चलता रहा। तो इट्स अ नेचुरल गिफ्ट आई वुड से इन टर्म्स ऑफ वॉइस एंड सिंगिंग। मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कुछ नहीं किया है, ऐसे ही शौकिया गाता हूँ। wow, पर अच्छा है, लेकिन ये गाने इतने प्यारे बनाए हैं उन्होंने, गाने वालों ने और बनाने वालों ने और म्यूजिक बनाने वालों ने, कि हम उसकी हल्की सी झलक भी अगर पेश करें तो बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल, तो ये वरदान जो है, ये गिफ्ट भगवान का सबके पास नहीं होता है, जिनके पास होता है वो रियल में बड़े ही लकी लोग होते हैं। तो आज जामदार जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, इतनी सुंदर सॉन्ग, इतनी दिल को छूने वाली आवाज के साथ, तो शुक्रिया उस भगवान का भी जिन्होंने ये स्वर दिए हैं ये हमारे जामदार जी को। अब इस सॉन्ग के लिए जो हम मैं लेके आ रही हूँ, उसके लिए मैं क्या कहूँ, रोमांस और नखरों से भरा हुआ ये सॉन्ग, आज की रात नहीं। तो एक फिल्म आई थी धर्मपुत्र 1962 में, यश चोपड़ा जी की शानदार फिल्म, और रहमान जी और मालहा सिन्हा जी पर फिल्माया गया ये सॉन्ग। ब्रिटिश रूल जब भारत पर था, उस समय के नवाबों की कहानी है ये, और शशि कपूर जी की एज एन एडल्ट एक्टर पहली फिल्म, नेशनल अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया था बेस्ट डायलॉग्स के लिए, और साहिर लुधियानवी जी ने इस सॉन्ग को लिखा था। सुनिए इनके शब्दों को, और जिस अंदाज से जामदार जी इसको लेकर आ रहे हैं, ये सुनने लायक सॉन्ग बनता है। जामदार जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सरवानी जी, वाकई बड़ा स्पेशल गाना है। मेरे भी कई दोस्तों ने फरमाइश की थी कि मैं इसको रिपीट करूं, पहले मैं गा चुका हूं आपके प्रोग्राम में। और वाकई ये अगर रोमांटिक सॉन्ग की बात करें तो आई थिंक दिस सॉन्ग आई वुड डिस्क्राइब इट एज रोमांस पर्सनिफाइड। शादी की पहली रात में जो गुफ्तगू होती है,
उसको कितने सुंदर लफ्जों में पिरोया है शायर ने और कितनी अच्छी तरह से उसकी तर्ज बना के उसको गाया है महेंद्र कपूर जी ने. सो हियर इज अ सॉन्ग एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. सुंदर, दिल से अभिनंदन, दिल से शुक्रिया, दिल से प्यार और क्या कहूँ, इतने अच्छे कमेंट्स. बिल्कुल मजा आ रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के भी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है. तो मोहित जी, नंदी, नील जी, ओमा जी मॉरिशस से, बड़े ब्लेसिंग्स और जबरदस्त कमेंट्स. डॉली जी हमारी टोरंटो से बहुत प्यारा गाती हैं. आशा जी, राजश्री जी, विजय जी तो शुरू से जुड़े हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स तो हमें शुरू से मिल रही हैं. और सतीश जी, प्रतिबिंब जी, द्रुति जी, अजय जी और झिलिक जी जो मेरी रिलेटिव हैं, मेरी बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन में हैं, नमस्ते दीदी. और दवे जी, सिमरत जी, श्वेता चैटर्जी पुजारी मेरे रिलेटिव बॉम्बे से, सब लोग जुड़े हुए हैं आपसे. बहुत अच्छा लग रहा है सबको, मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं. जामदार जी मैं क्या कहूं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे जामदार जी? बस सरवानी जी, इट्स बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और लोग दिल से जुड़े हैं और मुझे गाने का मजा आ रहा है और मुझे यकीन है उनको सुनने का मजा आ रहा होगा. सो लेट्स प्रोसीड. जामदार साहब, मैं यूट्यूब में सतीश चंद्र साहनी जी दिल के ऊपर दिल भेज रहे हैं, 100% लिखते जा रहे हैं. गिरीश पटेल जी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हरि भाई.
और रत्नामणि जी बहुत सुंदर, ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी कि लोग वशीभूत होकर आपको सुन रहे हैं। इंदु सूद जी बहुत एक्सीलेंट सिंगिंग, जानदार साहब ग्रेट, और जितने भी लोग हैं वो आपको अपना जो उनकी आशा थी, क्योंकि वो हमारे यहाँ मॉर्निंग टाइम है, लेकिन अपना सारा काम का छोड़कर आपको स्पेशली सुनने के लिए आकर बैठते हैं। आपको उनको लगता है कि जानदार साहब अब आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ, जैसे बच्चों को मिठाई मिलती है उसी तरीके से उनको भी वही कानों में वही रस मिलता है कि आपके साथ आपसे मुखातिब हों। अब आप नेक्स्ट सॉन्ग लीजिए। मैं इस सॉन्ग के बाद मैं सरबानी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने भी एक बहुत मीठा, बहुत सा प्यारा सा सॉन्ग है, सबके लिए वो सरप्राइज होगा कि सरबानी जी किस तरीके से पेश करेंगी। जामदार साहब अपना नेक्स्ट सॉन्ग लें, उसके बाद हम सरबानी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी प्लेटफॉर्म पर आएँ, और सरबानी जी के बाद में एक छोटा सा, और सरबानी जी एक सरप्राइज़ देंगी, और उस सरप्राइज में आप देखेंगे कि कितना मीठा और कितना प्यारा सा वो दुलारा सा गाना गाएंगे। आप जामदार साहब से अगला सॉन्ग लें, उसके बाद आप तैयार रहिएगा। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत ही मीठा ड्यूएट है ये हेमंत जी और गीता दत्त जी की आवाज में, एंड आई विल प्रेजेंट इट फॉर यू। लेके करार
ही सुंदर हमें किसी ने हाँ जी जवाब मिल गया है। रवि अय्यर जी ने बता दिया है कि हुवास मुकुल रॉय वो गीता जज के भाई थे और उन्होंने ही ये इसका संगीत दिया था और बहुत मीठा गीता दत्त जी और हेमंत कुमार जी को लेकर बना और ये आने वाले टाइम में भी एक यादगार बन गई। आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है इसी सिग्नेचर ट्यून से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, तो आज जामदार साहब ने उसको उसी रूप में पेश कर दिया जैसा कि गीत बना था और सभी लोग निहार रहे हैं। और रवि अय्यर आपके पड़ोसी थे जामदार साहब, जब भी प्रोग्राम होता है तो वो हमारे प्रोग्राम में जरूर अटैच होते हैं और वो कहते हैं आपको कि हाँ जी हाँ जी। तो अब मैं सरबानी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं उससे पहले एक बार दर्शकों का शुक्रिया करना चाहूँगी, रवि जी, अजय जी, राज एंड निधि मेरी फ्रेंड, सुजाता बैनर्जी जी दुबई से, झिलिक दी कोलकाता से, मोनिशा जी टोरंटो मेरी फ्रेंड, नयन कृति और प्रणव जी जो बहुत अच्छे मुकेश जी के सॉन्ग्स गाते हैं, हमारे टोरंटो के मुकेश जी, पॉल जी ये भी बहुत अच्छा गाते हैं, रंग जमाते हैं, संगीता दीदी आपका फिर से शुक्रिया, मुन्ना लाल जी आप हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं, तहे दिल से प्रणाम शुक्रिया, विजय जी, राकेश जी और कितनों के नाम लूं, सब बहुत खुश हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं शो की, कुलवंत जी और देव मथारू जी सबका शुक्रिया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी, कहीं दिन कहीं रात फिल्म आई थी, ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी, तुम्हारा चाहने वाला, जैसे ही नाम से पता लग रहा है कि बड़ा रोमांटिक टाइप का सॉन्ग, विश्वजीत जी और सपना जी पर फिल्माया गया, किंग ऑफ मेलोडीज बूझे तो जाने ओपी नैयर जी, बिल्कुल, तो ओपी नैयर जी का संगीत एक्शन थ्रिलर मूवी से विश्वजीत जी पे फिल्माया हुआ, जामदार जी लेकर आ रहे हैं तुम्हारा चाहने वाला, बिल्कुल। थैंक यू सरबानी जी, ये भी बहुत अच्छा ड्यूएट है और बड़ा रोमांटिक है और आवाज़ जैसे आपने कहा महेंद्र कपूर जी और आशा भोसले जी की, महेंद्र कपूर जी का अपना ही अंदाज था गाने का, अपना एक अलग ही स्थान उन्होंने बनाया हुआ था मूवी वर्ल्ड के अंदर और उनकी इस खूबसूरती, आवाज़ की खूबसूरती इस गाने में भी आपको देखने को मिलेगी। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया, इतना अच्छा संगीत, ट्रीट फॉर आर ईयर्स जामदार जी आपको सुनना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये जो वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं जो राजीव दा ने अपनी मेहनत से तैयार किया है और घरों घर घर में यूके कहिए, इंडिया कहिए और कहां कहां ये जो हम इतने अच्छे म्यूजिक के साथ सबके दिलों में पहुंच चुके हैं, तो ये सब मेहनत राजीव दा की है। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं इसके पीछे कड़ी मेहनत, एक हफ्ते की उससे भी ज्यादा की कड़ी मेहनत राजीव दा, जामदार जी, मैं भी लगी हुई थी अपने पेन कॉपी के साथ कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, प्रेमी हो गया मुझे तो पुराने 1950s और 40s के सॉन्ग से, कि मतलब यंग जेनरेशन को बोलना चाहूंगी कि आप सुने और देखें कि कहां ये म्यूजिक हमें ले जा सकता है। राजीव दा कुछ कहना चाहेंगे? जामदार साहब जब हमारे यहाँ टोरंटो में आए थे, उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद मेरे दिल में एक हमेशा मंशा रहती थी, एक कसक सी रहती थी कि जामदार साहब को हम एक हाई प्लेटफॉर्म पर लाएं, उनके गाने सुनें, टोरंटो वाले उनसे मुतासिर हों, उनको ध्यान से देखें कि कैसे हैं जामदार साहब।
तो जानदार साहब से मैंने इस बारी रिक्वेस्ट भी करी थी, वो यूएसए के विजिट पर जा रहे हैं अपने बच्चों से मिलने, बट इट इज़ अ वेरी शॉर्ट नोटिस एंड इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल टू कम हेयर इन टोरंटो, बट ही हैज़ मेड ए प्रॉमिस कि आने वाले टाइम के अंदर वो टोरंटो में ज़रूर विजिट करेंगे। हम भी पूरा कोशिश करेंगे कि उस टाइम कैसी सिचुएशन रहती है कि एक अच्छा सा प्रोग्राम करें जिसमें जानदार साहब को हम सुने, टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के सभी जितने ऑर्गेनाइजर हैं सब चीज़ें इकट्ठे बैठ के और एक हॉल में, या अगर जैसी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हम एक प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज। मैं जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है मैं उसके बारे में बताऊं कि मेरे दिमाग में दो आदमियों की पिक्चर तो मेरे आंखों के सामने खींची हुई थी, एक थे जामदार साहब, किसी भी तरीके से मैं उनको अपने साथ या उनके समझ लीजिए सामने बैठ के उनको सुनना चाहता था, एक थे अनिल जी। मैंने पूरी कोशिश के साथ, जामदार सब भी जानते हैं हमने बड़ी इसके अंदर कड़ी मेहनत करी, बिकॉज इट इज़ नॉट सम टाइम ईजी टू लाइक गिव गाइडेंस हाउ टू अटैच विद अवर प्लेटफॉर्म, अभी भी हम बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो इस आवाज़ तक पहुंचाने के लिए मैंने थोड़ी सी जान लगाई, लेकिन अगर जामदार साहब उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल या उनको इच्छुक ना होते तो ये चीज़ें ना बनती। तो यही बात अनिल जी का था, तो मैं मेरे ख्याल से मेरी तपस्या सफल हुई, मैं जानदार साहब को आपके सामने लाकर पेश कर सका। आज जानदार साहब को इंडिया में नहीं, टोरंटो में, नॉर्दर्न अमेरिका का हम टोरंटो म्यूज़िकल ग्रुप एक कहते हैं कि इट इज़ अ गेटवे टू नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ तक कि वैंकूवर, सियाटल और बहुत सारे हिंदुस्तान के वर्ल्ड के हिस्से में नॉर्दर्न अमेरिका में इसको सुना जाता है, जिसको बड़ा सगीर कहते हैं, जिसको कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, बांग्लादेश है, इंडिया है, सभी लोग बड़े चाव से आपको सुनते हैं जानदार साहब। यही हाल अनिल जी का है। मेरी दोनों जो मेरी कृतियाँ थी वो आपके सामने मैंने रख दी हैं और आपके ऊपर है कि अब आप इसको जितना फैला सकते हैं सभी लोग फैलाएं। जानदार साहब, थैंक यू। राजीव जी, आपने बहुत सही फरमाया कि ये गानों का खजाना तो है ही है, लेकिन ये हम सबको संजो के ये एक प्लेटफॉर्म आपने जो पैदा किया है, एक अरेंजमेंट आपने कंपाइल की है, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कितनी कोशिश और कितनी लगन लगी होगी, आपकी कितनी मेहनत लगी होगी, और नतीजा ये है कि इतनी दूर बैठे हुए हमारे भाई बहन जो हैं वो ना सिर्फ एक दूसरे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, बल्कि इस ये अद्भुत किस्म का जो हमारा पुराना संगीत है गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फिल्म्स का, उसको रल मिल के एंजॉय कर सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू अगेन राजीव जी फॉर ऑल द हार्ड वर्क, टू यू एंड योर टीम। थैंक यू जानदार साहब। एक और हमारी छोटी बेटी है, उसका नाम है हिमानी, आप उसको अच्छी तरह जानते हैं, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो होती तो आज हम इसको प्लेटफॉर्म पर भी लेकर आते, और वो भी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, वो बहुत खुश होती है, आज भी वो हमारे साथ अटैच है। तो हिमानी बेटे, आपका बहुत बहुत थैंक यू, वेलकम, और आप जानदार साहब को सुन रही हैं, उनके मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है जिन्होंने हिमानी का भी मैं उसी तरीके से थैंक यू करता हूँ जैसे हमारे और टीएमजी के साथी हैं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यहाँ तक लाने में जो मेरी मदद करी है। परनब भी सुन रहे हैं, शुभा जी इस टाइम ऑफिस में होंगी, अदरवाइज वो इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद आपको बड़े ध्यान से आपको जरूर सुनेंगे। थैंक यू हिमानी जी, गेट वेल सून एंड वेलकम टू यू। जी जी, अभी जो आपने महेंद्र कपूर जी का सॉन्ग लिया था, तो हमारे जो देव मथारू जी हैं वो हमारे टोरंटो में महेंद्र कपूर के सॉन्ग्स बहुत गाते हैं, तो उन्होंने बहुत आपको अच्छा कहा है और बहुत मजा आ रहा है उनको। प्रणव जी, अनु माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रविंद्र जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। वृंदा और प्रतिबिंब जी इंडिया से, मुन्ना लाल जी, विजय जी लिख रहे हैं ऑल टाइम हिट्स जो आप लेकर आए हैं, बड़े खुश हैं सब। द्रुति जी भी लिख रही हैं, कृष्णन जी जैसे कि अभी बताया कि शुभा जी के हस्बैंड हैं, शुभा जी हमारे टोरंटो की लता दीदी हैं, तो लता दीदी की कमी वो कभी महसूस नहीं होने देंगी हमें जब तक शुभा जी हमारे साथ हैं, हम बहुत पसंद करते हैं शुभा जी, मेरा प्रणाम। मनोज जी, और उसके बाद रोहित पांड्या जी, 10 में से 10 आपको बार बार लिख रहे हैं, और उधर ओमा जी जो मॉरिशस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी 10 में से 10 बार बार लिख रहे हैं। हरदीप जी, अजय जी, सबका तहे दिल से शुक्रिया। अब मेरे इंतजार की जो लिमिट है यहाँ आके एक पॉज जरूर लेती है, क्योंकि
ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग। तो मैं कहना चाहूंगी इतना ही कहूंगी, बाकी जामदार जी संभालेंगे। पूछो तो जाने कौन सा सॉन्ग। तो ये आ रहा है मेरा फेवरेट सॉन्ग, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। तो बड़े समय से इंतजार में थी इस सॉन्ग के, लेकिन ये रखा गया था यहाँ पर, मेरा बस चलता तो मैं इसे पहले रखती। तो 1958 की शानदार फिल्म दिल्ली का ठग, जिसमें किशोर दा ने गैम्बलिंग और ट्रिक्स सिखाए थे पैसा बनाने के शॉर्टकट्स, तो ऐसी ही नटखट सी एक फिल्म को लेकर आ रहे हैं, सॉन्ग को लेकर आ रहे हैं। नूतन जी के साथ ये किशोर जी और आशा जी का गाया हुआ ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। जामदार जी आपकी नजर, आप प्लीज लेकर आए। यस सरवानी जी, हियर इज द सॉन्ग। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। जरूर गाना चाहूंगी।
जब आप आएंगे यहाँ टोरंटो, आपके साथ एक साथ स्टेज शेयर करना चाहूंगी। इस गाने के लिए रिक्वेस्ट मेरी लिख के रख लीजिए आप, किसी और को नहीं, मुझे ये सॉन्ग गाने का मौका आपके साथ जरूर मिलना चाहिए। राजीव दा, प्लीज नोट इट डाउन। ये प्रॉमिस रहा, जब भी आप आएंगे तो जरूर जानदार जी के साथ आप गाएंगे। और इट बी माय पर्सनल प्लेजर सरबानी जी, जरूर साथ में गाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो मैं एक सदाबहार सॉन्ग लेने जा रही हूँ, ऐसा मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जिसने ये सॉन्ग नहीं सुना होगा और गुनगुनाया नहीं होगा। ऑल टाइम हिट राज कपूर जी और नरगस जी की सदाबहार जोड़ी पर फिल्माया गया ये सॉन्ग। रोमांटिक कॉमेडी और म्यूजिकल फिल्म बन पड़ी थी ये। जितनी ही अच्छी फिल्म उतना ही अच्छा संगीत और भाव से भरे हुए गीत, सारे सॉन्ग इसके बड़े फेमस हुए थे। तो फिल्म चोरी चोरी से, आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म चोरी चोरी की बात चल रही है। उत्कृष्ट कहानी, बहुत ही सुंदर म्यूजिक और राज कपूर जी और नरगिस जी की ये लीड रोल में लास्ट फिल्म थी। और एक 1934 में एक अमेरिकन मूवी आई थी, इट हैपेंड वन नाइट नाम से, तो वो इस फिल्म, मतलब ये फिल्म उस पर आधारित थी। मन्ना दे जी का और लता जी का के जो सिंगर्स थे इस सॉन्ग में, और एवीएम प्रोडक्शन की पहली फिल्म जिसमें कुछ सीक्वेंसेस कलर्ड में भी आए थे, तो उस सॉन्ग को लेने जा रहे हैं। ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, सुपर डुपर हिट सॉन्ग, आप ही बताइए कौन सा सॉन्ग। आ जाइए जेपी एचपी जामदार जी, ये भी आप ही बताइए, ये तो आपका बनता है बताना। थैंक यू, थैंक यू सरबानी जी। मैं सिर्फ इतना ही ऐड करूंगा कि इन माय पर्सनल व्यू दिस इज द ऑल टाइम ग्रेट सॉन्ग। मतलब मैं पुराने फिल्मों का तो हम सब उसके दीवाने हैं ही हैं, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये जो गाना है, इसका जादू जो है वो मेरा ख्याल है मुझे और किसी गाने में आज तक नहीं देखने को मिला। और इस ताज्जुब की बात ये है कि जब मैंने पहली बार इसको सुना, मैं मेरे ख्याल से 5 साल की उम्र का था, तब ना कुछ शब्दों का पता था ना संगीत की कोई सूझ थी, लेकिन उस उम्र में भी इस गाने ने मेरे पर ऐसा जादू किया कि आज तक जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ, आई ऑलमोस्ट गो इनटू अ ट्रांस। सो इट्स सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिरिक्स एंड म्यूजिक एंड द वे इट हैज बीन संग, और जिस राग पर ही आधारित है, बहुत ही प्यारा ड्यूएट है, और ये आपके लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ।
फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा कुछ हो नहीं सकता, कोई शब्द नहीं हो सकते, मुझे तो नहीं मिल रहे हैं राजीव दा इससे अच्छे, मैं क्या शब्दों में इस गाने की तारीफ करूं जो जामदार जी लेकर आए हैं। इस टाइम आप ही कुछ कहिए प्लीज। इस टाइम अगर आप दर्शकों के कमेंट्स ही पढ़ देंगे तो उनके हमारे पास शब्द है ही नहीं, तो जिस तरीके से प्रोत्साहन मिल रहा है और चीजें मिल रही है वो तो मेरे पास तो शब्द है ही नहीं कि इसको हम पे रोके सामने रख सकें। हम भी ट्रांस में चले गए इस सॉन्ग के साथ, तो हम लोग भी ट्रांस में चले गए। बिल्कुल, तो इसमें मैं थोड़ी सी दो चीजें ऐड करना जा रहा हूँ। एक तो जो कानों में मधुर संगीत और उनकी जामदार साहब की आवाज, जो इनका ट्रैक सिलेक्शन, ट्रैक को बनाना, मैं देखिए आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप इज़ नॉट ए ओनली ए सिंगिंग प्लेटफॉर्म। हम क्या नया देने जा रहे हैं, हज़ारों, 10,000 नहीं तो 1,00,000 लोग आज दिन रात जब से ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म ओपन हुए हैं लोग गा रहे हैं, लेकिन हम क्या यूनिक, क्या चीज़ दे रहे हैं, हम अपना टाइम क्यों डिवोट कर रहे हैं, क्या चीज़ें उसका। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें जामदार साहब का नाम अग्रणी है, वो अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, उनके ट्रैक भी अपने बनाए हुए हैं, उनकी कलेक्शंस भी अपनी हैं, और जब वो ऐसा सुंदर मीठा पीछे से संगीत और अपने आवाज़ को मिला के हमें देते हैं तो हमें लगता है कि आज हमारा बैठना या हमारा सुनना एक हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से अनिल जी हैं, जब हम ऐसे आर्टिस्ट को, अभी नंदनी के पापा अजय कपूर जी हैं, नंदनी को जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ एक अलग, एक यूनिक और एक प्यारी सी मीठी सी आवाज़ मिल रही है। ऊपर से सरबानी जी, मैं आपकी भी तारीफ करूंगा कि प्रोग्राम के ख़त्म होते ही आपने जो सुर मिलाकर दिया, अब वो क्या है, रिकॉर्ड हो चुका है वर्ल्ड की मार्केट में या वर्ल्ड के लोगों के पास वो पहुँच चुका है। इस ज़मीन पर आने वाले टाइम में हम आपसे बड़े हैं नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है वो सदियों तक गूंजती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होने वाली। तो मैं तो जामदार साहब का जितना शुक्रिया, आप अगर कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ सकें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, और मैं YouTube पर देख लेता हूँ, और उसके बाद एंड का जो गाना है मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन आप उसका साउंड को थोड़ा सा ऊँचा कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर मीठा एंडिंग गाना होने जा रहा है, और अगर आप उसके साथ अगर हेडफोन यूज़ कर सकें या ईयरफोन यूज़ कर सकें तो उसको सुने, या आप लैपटॉप पर या जैसे भी। ये गाना बहुत मीठा और हम भी बड़े अच्छे तरीके से, जामदार से तो पेश कर रहे हैं, हम भी उसको अच्छे तरीके से आपके सामने ला रहे हैं,
एंडिंग सॉन्ग खत्म होने के बाद आप फिर कहेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आप कहेंगे कि ओ नील गगन के पंखेरू, अब दोबारा गाएं, फिर दोबारा गाएं, बार बार गाते रहें जामदार साहब, क्योंकि आपने इसका म्यूज़िक इतना अच्छा बनाया है और चीज़ें इतनी अच्छी बनाई हैं कि वो एक सीने में जैसे तीर चुभता है, वो तीर चुभ कर ही रहेगा। और कहते ही हैं कि दुनिया में कितनी भी भाषाएं हो जाएं, लेकिन संगीत से अच्छी भाषा कोई नहीं हो सकती, जिसे सब समझते हैं। तो म्यूजिक की कोई भाषा नहीं है। तो ये रहा गुजराती सॉन्ग जामदार जी की आवाज में। हाँ जी सरवानी जी, हियर इट्स। बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज आप सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये क्रिस्टल क्लियर आवाज। और जो विजुअल्स आप देख रहे थे सॉन्ग के साथ, वो देख के और अच्छा लग रहा था। एप्रोप्रिएट बिल्कुल। हमने और सॉन्ग्स में भी विजुअल्स देखे। राजीव दा की मेहनत है, जो उनका पैशन है म्यूजिक के प्रति, रेस्पेक्ट है म्यूजिक के प्रति, जो इस तरह के विजुअल्स और इतना क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक वो लेकर आए हैं हम सबके लिए। राजीव दा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके लिए आपको और जानदार साहब को थैंक यू करता हूँ कि थैंक यू इसलिए करता हूँ कि आप गाने वाले इतने अच्छे हैं कि मुझे उसके अंदर मेहनत करने में और आपके साथ बैठने में जो खुशी महसूस हो रही है, उसका मैं शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता। जामदार साहब, आप खुद एक झलक पाएंगे कि आपका शक्ल या आपकी जो वाणी है सुनने के बाद, अब इतना मीठा बोलते हैं कि आदमी अगर मान लिया एक कदम चले तो हो सकता है आपके साथ 100 कदम चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमें वैसी अनुभूति मिलती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितनी मेरी। हाँ जी जामदार साहब। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आप खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं। म्यूजिक के लिए आपका लगाव तो जाहिर ही है,
और जितनी जितनी अच्छी तरह से आप ये प्रोग्राम्स को एकत्रित करते हैं, पेश करते हैं, और जितनी लगन से आप इनको फॉलो करते हैं, उसकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मेरे लिए भी मुझे एक वाकई एक एक अलग किस्म का आनंद खुशी मिलती है आपके साथ आके मिलने में, बैठने में, गाने में। और आज उन्होंने भी, सरबानी जी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनकी अपनी ही स्टाइल है। और जब सरबानी जी ने बताया कि म्यूजिक में PhD परसू कर रही थी, तो मुझे एक तरह से कॉम्प्लेक्स हो गया कि भी मैं तो म्यूजिकली इलिटरेट हूँ और एनीवे, बट बड़ा मजा आया सरबानी जी। एंड आई एग्री विथ ऑब्जर्वेशन ऑफ वन ऑफ द लिसनर्स कि आप में एक मौसमी चैटर्जी की एक झलक है, मुझे भी दिखाई दी थी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। इस गीत पर बात करते हुए जब जानदार जी से मैं बात कर रहा था, तो मुझे जानदार जी का ये गाना एक बारी सुनने के बाद मेरा दिल करा कि मैं इसको गाऊं। मैं किसी ओल्ड एज वाले ग्रुप के लिए गा रहा था, वहाँ 50-60 लोग बैठे हुए थे, तो मेरा भाषा का जो गुजराती का उच्चारण शुद्ध नहीं था, लेकिन उनकी जो लेडी थी वो गुजराती में उन्होंने इस गाने को पूरा दोहरा दिया। उनके हस्बैंड की तबीयत खराब नहीं, तो बेड पर लेटे हुए तो मुझे यही लगा कि प्रभु ने जो हमें आशीर्वाद हमारे कंठ में या हमारी वाणी में जो दिया हुआ है, अगर हम किसी असहाय को या किसी ऐसे लोगों के दिल में एक छोटी सी एक फूल खिला सकें, उनके दिल में मुस्कान दे सकें, वही हमारा संगीत होगा। जैसे कि मैंने बताया कि जामदार साहब जो गाना है उनका पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। जामदार साहब एक IAS ऑफिसर हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात थे, और रोड ट्रांसपोर्टेशन जितनी ये प्राइवेट सेक्टर को लेकर उसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। ये बाई प्रोफेशन सिविल इंजीनियर भी हैं, जितने सिविल इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट हैं उनके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ऐसी महान हस्ती को उनके साथ बैठ के हम छोटे से, मेरा भी यही है कि मैं भी बाई प्रोफेशन आई एम नॉट ए सिंगर, मेरा ये पैशन है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, CPSCA हूँ। सरबानी जी देखिए PhD हैं, सुमिता जी वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, शुभा जी ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठ के जब उनकी संगत होती है, तो हमें लगता है कि संगीत का जो हमारा प्यार था, प्रेम था, उसको हम ऊंचा स्थान दे रहे हैं। मैंने शायद जामदार साहब जी, मैंने बहुत पहले भी बोला है कि मेरे मन में इच्छा थी कि जो संगीत का दर्जा है उसको हम हाई प्लेटफॉर्म तक ला सकें, तो वो वही हमारा श्रमदान होगा, वही हमारा एक एक छोटा सा दान होगा कि हम इस संगीत को लोगों के कानों में एक मीठा रस दे सकें। तो आप से यही चीजें हमें प्रेरणा मिलती है जी। थैंक यू राजीव जी, इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग एंड इट वाज अ प्लेजर बीइंग विद यू एंड विद ऑल द लिसनर्स, जो जितने प्यार से जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने सुना है, और मुझे उम्मीद और यकीन है कि उनको भी मजा आया होगा जितना हमें आया है। बहुत मजा आया है। हाँ, तो बहुत सुंदर कमेंट्स उनके हाथों से, मतलब वो सुन भी रहे हैं, सेम टाइम में लिख भी रहे हैं, और मतलब एक इंसान बहुत बार डिफरेंट कमेंट्स लिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दिल से आवाज निकल रही है और दिल से दिल तक ही पहुंच रही है। तो राजीव दा, और क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि हमारे प्रोग्राम में जामदार साहब जी की वाइफ कई बार शामिल होती हैं, वो हमें एक ब्लेसिंग या एक सबको थैंक यू करती हैं। अगर इस प्रोग्राम में नहीं शामिल हो पाई तो हम गुजारिश करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में प्लीज़ वो एक मिनट के लिए चाहे आएँ तो आया जरूर करें। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो घर की लेडीज़ हैं वो हमें प्रोत्साहन देती हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, और बड़ी अच्छी लेडी हैं, हमारे घर पर भी आई थी बड़े प्यार से, और इतना स्नेह मिलता है कि जैसे मैं छोटा भाई हूँ या उनके फैमिली का मेम्बर हूँ। तो ऐसे लोगों का प्यार मिलता रहे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो क्योंकि आपको पता ही है बिना लेडीज के हम आगे बढ़ नहीं। हाँ जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेडीज के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। एनीवे, बट नीना इज आल्सो वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल, वो शायद मेरा ख्याल है शी इज रिटायर्ड फॉर द डे, अगली बार जरूर मैं उनको आपके मुखातिब करूंगा। हाँ जी, सो थैंक्स अ लॉट। मेरा प्रणाम आपको मैडम, आपको मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है जामदार जी के साथ, और आपको भी स्पेशल धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा हमारे शो पर, 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आइएगा जरूर।
Thanks a lot again. And finally, Rajiv ji, DMG and their group, aapko salam, namaskar, my greetings, my appreciation. बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर काम आप कर रहे हैं. काफ़ी मेहनत का काम है, ये आसानी से नहीं हो जाता. और काफ़ी आप अपना टाइम स्पेयर करते हैं और बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, लेकिन नतीजा ये है कि अच्छे अच्छे गाने लोगों को सुनने को मिलते हैं और सब एक साथ जुड़ सकते हैं. सो थैंक्स अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी एंड माई थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स एंड एवरीबडी एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम. थैंक यू एंड गुड नाइट.